झारखंड का फैसला। जी हां, चुनावी संग्राम झारखंड में थम चुका है और अब नतीजे की घड़ी सामने आ गई है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। झारखंड की 81 सीटों के लिए 5 चरणों में मतदान 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक हुआ था। 24 जिला मुख्यालयों में काउंटिंग सेंटर है मतगणना का और अधिकतम दौर चतरा में 28 राउंड और सबसे कम 2 राउंड चंदन क्यारी तोरपा सीटों पर होगा। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी अकेले मैदान में उतरी है तो वहीं कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी गठबंधन कर चुनाव लड़ी है। इस चुनाव में 1215 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा और देखना होगा कि आखिर जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। तो 29,464 बूथों पर 41,870 ईवीएम पे पड़े वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना के दिन जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं वो है जमशेदपुर पूर्वी सीट। मुख्यमंत्री रघुवर दास साल 1995 से यहां जीतते आ रहे हैं। उनके खिलाफ उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी सरयू राय मैदान में हैं। दुमका और परेड जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं तो दुमका में समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी के खिलाफ मैदान में है। तो धनबाद सीट पर जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को टक्कर दे रहे हैं तो राजकुमार यादव लक्ष्मण प्रसाद सिंह दिल्ली सीट से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो को कड़ी टक्कर दी जा रही। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीमा महतो है और अब मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। तो झारखंड में लगभग 1 महीने तक चला चुनावी संग्राम अब खत्म हो गया है। नतीजे की घड़ी आ गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो गई है। हर एक आने जाने वाले व्यक्ति पर भी नजर रखी जा रही है। जहां एक तरफ उम्मीदवार काफी उत्साहित है तो लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है और ऐसा माना जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन की जो लहर है वो झारखंड में देखने को मिल सकती है क्योंकि बीजेपी के हाथ से कहीं ना कहीं सत्ता खिसकती हुई दिख रही है। लेकिन चुनावी रुझानों में क्या कुछ सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दुमका और रांची की। तो झारखंड में करीब 1 महीने तक चला चुनावी संग्राम अब थम चुका है। नतीजे की घड़ी आ गई है और जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं धरातल पर जो सच्चाई दिख रही है उसमें सत्ता परिवर्तन के संकेत जो है वो मिलते दिख रहे हैं। त्रिशंकु विधानसभा के आसार भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर जताए जा रहे हैं और ऐसे में इस पर चर्चा तेज है कि अगर झारखंड में खंडित जनादेश आया तो सरकार की तस्वीर क्या होगी। हालांकि अब चुनावी रुझान जो है थोड़ी देर में सामने आने लगेंगे और रुझानों में किस ओर हवा बह रही है साफ हो जाएगा। तो ये तो भी फिलहाल कयास है कि आखिर सरकार की तस्वीर क्या होगी। त्रिशंकु विधानसभा के जो आसार जताए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है या सत्ता परिवर्तन के संकेत जो मिल रहे हैं वो क्या यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं लोगों के मन में यही जो है जहन में इस वक्त सवाल चल रहा है कि अगर खंडित जनादेश आया तो सरकार की जो तस्वीर है वो क्या होगी।